देखो जैसे अब बाइनोमियल थ्योरम में ये कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले आते हैं, जैसे कहा जाएगा यहाँ देखो क्वेश्चन है शो दैट 9 की पावर n प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8, ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर कुछ आते हैं। देखो इन क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका देखो होता है वो देखो ये होता है कि जैसे हमें 9 की पावर n प्लस 7 को दिखाना है, देखो जिसमें पावर n है ना इसे कुछ लिखो, हमें 1 प्लस 8 की पावर n इसको लिख ले, है ना, 9 को लिख लिया 1 प्लस 8। अब देखो ये फार्मूला बन गया 1 प्लस x की पावर n का, देखो क्या होता है 1 प्लस n c 1 इंटू 8 n c 2 इंटू 8 स्क्वायर n c 3 इंटू 8 की पावर 3 एंड सो ऑन एन सी एन 8 की पावर n और देखो प्लस 7। अब देखो क्या हुआ, ये 1 और 7 आपस में ऐड होकर के 8 बन गया और प्लस एन सी 1 8 एन सी 2 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो देखो ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा इंटीजर बन गया, है ना, तो क्या आ गया देखो 8 इंटू इंटीजर। एक्चुअली क्या होता है NC1, NC2 वगैरह की जो वैल्यू आती है ये हमेशा इंटीजर ही आती है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि NCR में n हमेशा R से बड़ा होगा, है ना, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा जबकि R जीरो होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन NCR का जो आंसर आता है वो हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा इंटीजर है। यही हमें शो करना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 8 का मल्टीपल है, है ना। तो ऐसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से प्रूफ हो गया कि भाई ये टर्म 8 का मल्टीपल है, यही हमको प्रूफ करना था, है ना, तो काफी इजी क्वेश्चन होता है। देखो उसको ध्यान से पढ़ जरा बच्चों,